हाँ जी, फिर निकलने का टाइम आ गया है अपना देश छोड़ने का एक बार फिर। मगर माता जी इस बार पूरी कोशिश है कि जरा जल्दी से जल्दी वापस आऊँ। वैसे आमतौर पे बंदा बाहर निकलता थोड़ा सा एडवेंचर मूड आता है कि भाई ट्रैवल करने जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, खुशी होती है। इस बार थोड़ा सा ये है कि मजबूरी में जाना पड़ रहा है, बट काम हो जाए जल्दी। हाँ जी, मासी कब पहुँचनी है? मासी आ जाएगी थोड़ी देर में। चलो ठीक है, चलो फिर आशीर्वाद दो, असि चले छेती छेती कामों और वापसी फटाफट आए अपनी भार्या को लेके वापस हिंदुस्तान। ठीक है माता जी? हाँ चलो। हाँ जी पूरन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और जाना तो वैसे कनाडा है, बट फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ दुबई की तरफ, क्योंकि वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और किन किन वजहों से और इस ट्रिप पे मेरे को क्या क्या कैसे कैसे फ्री में मिल रहा है वो सब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। मतलब बिजनेस क्लास क्योंकि टिकट है तो इसके अंदर एडिशनल क्या क्या हिडन ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार लोगों को पता ही नहीं होती कि उनको बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको इस जर्नी में बताता हूँ। बारिश तेज से तेज तर होती जा रही है। मगर मेरे को अभी ध्यान आया कोविड टेस्ट जो है मैंने अपना वो बुक ही नहीं करा था जो एयरपोर्ट वाला होता है, तो इसलिए बस अभी वो ऑनलाइन फटाफट लैपटॉप खोल के कराया, 2-4 मिनट ही लगते हैं, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके कर लिया काम, बस अब जाना है। मगर उसकी कन्फर्मेशन मेल अभी तक नहीं आई, पर मैंने फोटो खींच लिया स्क्रीन शॉट भाई दिखा के काम चलाऊंगा फिलहाल। पूरन जी ने गाड़ी पार्किंग में लगा ली है क्योंकि यहाँ पे कोविड टेस्ट कराना है, तो वो जो मेट्रो वाला जो ब्रिज है ना उसके ऊपर होती है मेट्रो स्टेशन के अंदर, तो बस वो मैं सैंपल दे दूँ अपना ताकि तब तक यहाँ वेट कर ले, फिर मैं बैग एक ही बार आराम से ले जाऊँगा, वरना सारे बैग लेके ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार तो जिस एरिया में इतनी भीड़ थी बंदे बंदा चढ़ा हुआ था, मुंडे से मुंडे टकरा रहे थे, इस बार तो लगभग खाली पड़ा है। मेरे ख्याल से भी कोई या तो इस टाइम सुबह फ्लाइट नहीं होगी, बट अनयूजुअल क्योंकि कई बार मॉर्निंग फ्लाइट्स निकला करती हैं, ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग होती है, मेरी 10 बजे की है, भगवान जाने क्या सीन है, अपना टाइम ही लग रहा बिल्कुल खाली हो गया था। अब लगा लो पहला नंबर आ गया। अभी जी जो 1 घंटे के अंदर कोविड की रिपोर्ट आती है वो मेरी आई नहीं है। आइडियली ये होता है कि आप चेक इन नहीं कर सकते, फ्लाइट बोर्डिंग पास नहीं मिलता जब तक वो रिपोर्ट ना आ जाए, तो आप टर्मिनल में वेट कर सकते हैं। तो मैं आ तो गया हूँ अंदर, बट मेरे को सेंटर ने कहा था कि जब वो गई थी तो उसको बोर्डिंग पास पहले मिल गया था, इसलिए मैं ट्राई करने वाला हूँ। एमिरेट्स का काउंटर ठीक मेरे पीछे है, और नीडलेस टू से बिजनेस क्लास के अंदर मैं बार बार बताता हूँ आपको, चेक इन की रेगुलर लाइन में नहीं खड़ा होना होता, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की लाइन अलग होती है। तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपका चेक इन नहीं हो सकता जब तक जो एयरपोर्ट की कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो नहीं आती। बाकी उन्होंने मेरी सारी फॉर्मेलिटी कर दी, उन्होंने कहा कि बस आप बैग लेके आ जाना, हम ड्रॉप करेंगे, वी चेक डी होने मिलकर बोर्डिंग पास एंड यू विल बी गुड टू गो। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रीमियम एयरलाइन से बिजनेस क्लास की टिकट लेके जा रहे हो और लाउंज एक्सेस ही ना हो। मैंने काउंटर पूछा, हाँ जी कौन से लाउंज में जाना है, उसने कहा कि हमारा तो यहाँ पे किसी के साथ पार्टनरशिप ही नहीं है, तो बिजनेस क्लास में नो लाउंज, सरप्राइजिंग। बट फिर मैंने आके इन्फॉर्मेशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि एमिरेट्स का टाई अप ITC के साथ था, वो लाउंज बंद पड़ा है, प्रीमियम प्लाजा के साथ इनका है नहीं, उसमें पैसे देने पड़ेंगे। मगर ऐसी ही सिचुएशन के लिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड है जिसमें लाउंज एक्सेस होते हैं, इसलिए अभी आज जाके बैठेंगे अपने लाउंज में, एमिरेट्स और नो एमिरेट्स।
अब ये तो जी मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि लाउंज जो है क्रेडिट कार्ड में फ्री अवेलेबल होते हैं, इनके अंदर अनलिमिटेड खाना बुफे लगा होता है, छोटा मोटा अभी ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ था, ये ले लिया है। वॉशरूम्स जो हैं इनके काफ़ी अच्छे साफ सुथरे होते हैं, यहाँ पे अपना वाईफाई वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो मैं एडिटिंग वेटिंग काम शाम अपने आप निपटालता हूँ कम्फर्टेबल। और अगर आप बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहे हो तो आइडली 99.99% ऑफ द केसेस ये फ्री मिलते हैं। वो वहाँ से होती है जी इकोनॉमी की बोर्डिंग और यहाँ से बिजनेस। ये जी A380 तो है नहीं, तो इसलिए इसकी जो सीट है ना ये साथ साथ दो जुड़ी हुई हैं, और मतलब उस हिसाब से इतनी प्राइवेसी नहीं है जितनी आप जनरली बिजनेस क्लास अल्टरनेट सीट्स में एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये थोड़ा जो है ना हल्का वाला एयरक्राफ्ट है, 777-300, नॉट A380। उसकी कन्फिग्रेशन थोड़ी सी ऐसी है, मगर 3.5 घंटे की फ्लाइट है तो चलेगा। बाकी फीचर्स देखते हैं आगे कैसे कैसे हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं सबसे आगे वाली में हूँ, इसका लेग रूम एक्स्ट्रा होता है बहुत ज़्यादा, एज यू सी टीवी थोड़ा सा दूर होता है और कंट्रोल यहाँ। ये नॉइस कैंसलिंग हेडफोन है जी, एयरप्लेन की सारी हम उड़ा देती है। हेडफोन जैक इसके अंदर लगेगा और पावर के लिए लैपटॉप चलाने के लिए है जुगाड़। और ये जी एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास सीट है, मैंने कहा थोड़ी सी ये भी नजर मान ले, परमिशन मिल गई शूट करने की। इसमें जी ये सेंटर तो यहाँ पे भी बना हुआ है, बाकी ये सारा सामान यहाँ पे रेडी है आपके लिए। पहले टाइम से आप शुरुआत करना चाहें, इसके अंदर से ट्रे वगैरह निकल आती जाता मेरा ख्याल है, ख्याल ही है कहाँ से निकलेगी पता है। और ये हो गया जी ऑब्वियसली शीशा का ब्यूटी मेकअप सारा माल है, टीवी का साइज बहुत बड़ा है, लाइट यहाँ लगी हुई है ऑन होती है। ओके थैंक यू, ठीक है। अरे वाह, नोट शोट लिखने वो आपने है, वाह जी वाह स्वाद ही आ गया। जगह देखो जी नीचे, ओए होए होए, कुर्सी पे तो फिर क्या ही कहने, ये पूरा फ्लैट बेड बन जाता है। और ये फिर यहाँ से ये क्लोज भी हो जाती है, ये भी शायद बटन ऑपरेटेड है जिसका मेरे को सवाल नहीं पता। अभी देखते हैं कैसे बादलों की लेयर से जब जहाज़ ऊपर जाता है तो सूरज दिखता है और एकदम सब चेंज हो जाता है, जैसे नीचे ग्रे ग्रे था ऊपर एकदम रोशन हो जाएगा। बाकी जी आपने देखा कि नीचे क्लाउड कवर है मगर ऊपर आ गए हैं तो सूरज दिखने लग गया, और सूरज आ गया तो इसमें थोड़ा सा जो है ना ये ऑटोमेटिक। अच्छा पहले मेरे को ईमानदारी से लगा कि इसमें फ़र्क ही क्या है, बस थोड़ा सा शेड ही तो है, तो मैंने कहा चलो मेरी सॉफ्ट लाइट बन जाएगी, शूटिंग के हिसाब से अच्छी होती है ना, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही तो उन पर शेडोज़ नहीं बनेगी। मगर बाद में ध्यान दिया तो दोबारा दबाओ तो ब्लाइंड आ जाता है, तो इसीलिए ये है थोड़ा इसका असली पर्पज़ जैसे कहते ना, बस आप ये मान लीजिए एडेड लग्जरी ही है एक तरीके की। बाकी देखो जी ये जो खीरे वाली ड्रिंक है ये तो मैंने देखी है पहली बार, वो चीनी चाशनी इसके अंदर डली हुई है, फाइनली मास्क उतारा जा सकता है थोड़ी देर, ठीक है। ये अच्छी बात है कि बहुत मीठी नहीं है, इनकी स्पेशल मॉकटेल है और साथ में जो है मसाला नट, बढ़िया। बाकी जी मेरा ये तो बताया आपको कि जब भी मैं लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे जाता हूँ तो मैं अपने पॉइंट्स यूज़ करता हूँ बिजनेस क्लास को अपग्रेड करने के लिए, एज एन इकोनॉमी से बिजनेस में आने के लिए। और लोकल छोटी जो मेरी जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, जैसे मैं दुबई लास्ट टाइम आया था, सिर्फ दुबई
या कहीं थाईलैंड जाना हो, श्रीलंका जाना हो, डोमेस्टिक जाना हो, ऑलवेज इकोनॉमी। वो सारे पॉइंट्स जो लॉयल्टी में मेरे इकट्ठे होते हैं वो यूज़ कर लेता हूँ फिर जब मैंने ये लंबी बड़ी फ्लाइट्स लेनी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्थ ज़्यादा निकलती है। और ये मैं बार बार बताता हूँ, ये तीन मुंडी वाले होते हैं ऐसे, ताकि इनको कोई चोरी कर भी ले तो उनके किसी काम ना है, तो लोग चोरी करें ही ना। ये तो धीरे धीरे ही समझ आ रहा है मेरे को। खाने में आ गई थी चिकन करी, दाल, राइस, थोड़ी सी ब्रेड, बिस्किट और साथ में एपेटाइजर के अंदर अरेबिक डिप्स। लो जी, कांटे छुरी एकदम ठंडे और स्टील के, बढ़िया। और थोड़ी सी प्रीमियम फील तो देनी होती है ना भाई, लग्जरी आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो। साथ वाली सीट खाली होने के बड़े फायदे हो जाते हैं सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाकी जी ये तो आपको क्या ही बताना कि इसमें लाई फ्लैट बेड में सीट कन्वर्ट हो जाती है, मगर बेल्ट फिर भी लगा के सोना चाहिए, बढ़िया रहता है, उससे ये बीच में जगाने नहीं आते अगर सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाए। एक डेढ़ घंटा बचा है अपने पे, उसमें जितनी हो सकती है नींद मार लेती। फाइनली दुबई पहुंचना हो गया और अब जाना है बाहर, और बड़ी सारी फ्री चीज़ें जो मेरे को इस टिकट के साथ मिली हैं, कैसे मिली हैं, उन सब की डिटेल देखनी है और वो सब देखेंगे अगली वीडियो में। बट ये वाली पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।